बीएफएससी 2023 के जो डीएएफ सैंपल है, जो ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट जो भी हैं उनके संबंध में कुछ डाउट्स क्वेश्चंस क्यूरी है, तो जो एक ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट है उसके डीएएफ के हेल्प से आपको चीजों को समझा रहा हूँ। कुछ चीजें बेसिक्स हैं तो उसको मैं ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा, जो ओबीसी एनसीएल से रिलेटेड है उस पर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा करेंगे। तो ये जो फर्स्ट पेज में नंबर पॉइंट नंबर वन नेम एज रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हैव यू चेंज्ड योर नेम आफ्टर मैट्रिकुलेशन? नो है तो नो करोगे, यस है तो आप अपना चेंज नेम करोगे। ये आपका एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि अभी वर्तमान में प्रेजेंट में जहां रह रहे हो वो एड्रेस, या आपका जो लेटर जहां सेंड किया जाना है उसका एड्रेस, और ये इसमें से आपका जो है परमानेंट एड्रेस, तो परमानेंट एड्रेस वाला ये है। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपका, क्लेम्ड एज रिलैक्सेशन यदि आप ओबीसी हो, और ओबीसी में यदि आपने एज रिलैक्सेशन क्लेम किया है यानी कि आप ऑलरेडी 26 ईयर हो गए, 27 ईयर्स हो गए, 28 ईयर्स हो गए, ओके, तो आपका वो एज रिलैक्सेशन वाला तो यस करोगे। यदि आप 25 से बिलो थे उस समय तो आपको नहीं करना है। नेशनलिटी इंडियन, सिटीजनशिप इंडियन, ठीक है, जेंडर ये, स्टेट ऑफ डोमिसाइल ये ऑलरेडी हम इसको कर चुके हैं। अब चूंकि मैरिटल स्टेटस तो आप अनमैरिड हो तो अनमैरिड ये करोगे। अब कम्युनिटी देखो, ये ओबीसी आप डाल रहे हो, ओबीसी में ये थ्री, तो ओबीसी वाले में देखो ये सर्टिफिकेट नंबर आपका ये होता है, डेट ऑफ इशू। अब ये यदि देखोगे कि पहले 2022 तक यानी कि जो लास्ट डेट फिल करने का एग्जाम फॉर्म है उससे पहले का होना चाहिए था, लेकिन अभी जो 23 में है वो 1 अप्रैल से लेकर के आपका जो लास्ट डेट फिल करने का है उसके पहले का होना चाहिए, तो डेट ऑफ इशू आप डालोगे। क्योंकि उसी समय जब आप फॉर्म भर रहे थे, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हो आप में से जिन्होंने सर्टिफिकेट तो आपके पास था नहीं और आपने गलत डाल दिया, तो अब उसका जो है ये परिणाम जो है वो बस दिक्कत हो रहा, लेकिन इनवे आपको मैनेज करना जो भी आप ये कर सकते हो अदरवाइज। तो इसमें सर्टिफिकेट नंबर आप डालते हो ओबीसी में, डेट ऑफ इशू और डेजिग्नेशन ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी जिन्होंने आपको, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे उनके डिफरेंट नेम होते हैं तो आप वो डालोगे, और उनका फुल एड्रेस डालोगे, और नेम ऑफ कास्ट जो आपका कास्ट है वो नेम में डालोगे, और ब्रैकेट में किस नंबर में आपका कास्ट सेंट्रल लिस्ट में है। तो सेंट्रल लिस्ट भी स्टेट वाइज बनता है कि स्टेट वाइज मान के लो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, ये सब आपका उस आधार पे, ठीक है। स्टेट जिसमें से आप बिलोंग करते हो, योर रिलीजन इफ यू बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, तो जो भी है ये आप नॉन क्रीमी लेयर हो, क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी में हो तो ऑब्वियसली नॉन क्रीमी लेयर हो, एनसीएल हो तभी उसका फायदा मिलेगा, तो इसमें एनसीएल लिखते हैं। फिर बिलोंग टू माइनॉरिटी तो नो, तो नो, यस तो यस। डू यू पोजेस प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यस, ये तो आपके जनरल वाले कैंडिडेट में, और सर्टिफिकेट इनरोलमेंट डेट ऑफ इशू जो आपका, डेजिग्नेशन ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी और फुल एड्रेस ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, ये हर पेज के आखिरी में आपका रोल नंबर होता है और आपका सिग्नेचर यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये तो जनरल सब में है। डू यू हैव एनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑब्टेंड फ्रॉम ए फॉरेन इंस्टीट्यूशन, तो ऑब्वियसली नो है तो नो डालोगे। ये फिर आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th में क्लास या डिवीजन, परसेंटेज, सीजीपी, देखो या तो परसेंटेज है या सीजीपी है, दोनों में से कोई, ईयर ऑफ पासिंग, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में सारे नहीं मतलब कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट जिसमें जैसे 20 सब्जेक्ट्स है, और 20 आप नहीं लिखोगे ना, उतने स्पेस नहीं है, तो वो नेम ऑफ आपका स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ बोर्ड, तो ऐसे ही आप 12th बीएससी ग्रेजुएशन जो भी, अभी मान के चलो पीजी आपका कोई मास्टर्स एमएस है तो उसको भी आप डालोगे। लेकिन इसमें देखो यदि कंप्लीट हो गया है तब डालना, नहीं कंप्लीट हुआ है तो उसको मत डालना मास्टर्स वाला। ग्रेजुएशन तो आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन यदि आपका कंप्लीट ना हुआ है तो मत डाल। एनसीसी यदि बी और सी है तो यस डालोगे, नहीं है तो नहीं डालोगे। आर यू एक्स सर्विस मैन नहीं हो मैक्सिमम तो नहीं डालोगे। आर यू सिविलियन यदि नहीं हो तो नहीं डालोगे, हो तो यस डालोगे। अब ये डिस्चार्ज क्लेमर और ये है, फिर आप अपना जो बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी, ये जो आपके प्रेफरेंस है उसके अनुसार 1 2 3 4 डालोगे। वेयर यू इवर एम्प्लॉयड, तो आप एम्प्लॉयड हो यदि तो यस लिखोगे, कभी आप या तो अभी नहीं पहले भी कभी आप एम्प्लॉयमेंट में रहे थे तो यस डालोगे, नहीं हो तो नहीं आप ये डालोगे। प्लेस ऑफ बर्थ ये डालोगे अपना जो भी है। सेलेक्टेड और अप्लाइड यूपीएससी के एग्जाम, तो जो भी यहाँ नेम ऑफ एग्जाम 1 2 3 जितना आप डालना चाहो। अब 200 एग्जाम तो नहीं ना कोई किसी ने है, लेकिन
5 ईयर में अपियर हुए हैं, किसी कोई 2 में अपियर हुए हैं, कोई 10 में हुए हैं। तो जितना है आपका, देखो नेम ऑफ एग्जामिनेशन इस यहाँ डालते चलोगे, फिर मंथ और ईयर ऑफ एग्जामिनेशन। अब मान चलो मंथ पता नहीं है तो आप ईयर भी लिख सकते हो, रोल नंबर पता है तो ठीक है, नहीं है तो 0, ठीक है। वेदर यू अपियर इन द एग्जामिनेशन, अपियर हुए तो यस, नहीं हुए तो नो। इंटरव्यू में अपियर हुए तो यस, नहीं तो नो। और रिकमेंडेड तो या तो रिजल्ट अवेटेड है या जो भी कुछ है तो उसको लिखोगे। फिर ये आपका जो है इसमें से ये करोगे, ठीक है। तो आपका कभी भी आप यूपीएससी के एग्जाम से डिबार हुए हो 14 नंबर में तो नो हुए हो तो नो, यस हुए हो तो यस, लेकिन ये चांसेस नहीं रहता। फिर आपका 15 नंबर में है नेम ऑफ फादर, तो अपना फादर का नेम डालोगे, मदर का नेम डालोगे, नेशनलिटी ऑफ फादर इंडियन, नेशनलिटी ऑफ मदर इंडियन, फादर का प्रोफेशन जो भी है आप उसको लिखोगे। मदर का प्रोफेशन सपोज कुछ नहीं कर रही है तो हाउस वाइफ या होम मेकर लिख, तो जनरली होम मेकर ज्यादा अच्छा है, होम मेकर। इफ सर्विस, इफ योर फादर इज इन सर्विस द पोस्ट हेल्ड, जो भी पोस्ट है, मदर ऑब्वियसली जॉब में नहीं है तो होम मेकर, हाउस वाइफ जो भी लिखना। एनुअल इनकम ऑफ फादर यहाँ लिखोगे, मदर यदि अब हाउस वाइफ है होम मेकर है तो 0 होगा। और फादर आपके जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट जिससे के फादर बिलोंग करते हैं, मदर का स्टेट, मदर का डिस्ट्रिक्ट, फिर फादर का प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, फिर मदर का प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, ठीक है। फिर आपका कोई फैमिली है इसके पास, ये में से कोई है तो यस, और नहीं है यानी कि लैंड और प्रॉपर्टी एसेट्स जो भी, यदि इसमें से कुछ भी एक है तो यस लिखोगे, नहीं है तो नहीं। 16 नंबर में देखो लैंग्वेज वाला, में ये मैं बार बार बोलता हूँ कि इसमें से ध्यान रखना। देखो इसमें से ये संस्कृत के संबंध में इन्होंने रीड वन ली, यानी संस्कृत सिर्फ पढ़ना जानते हैं इस समय, और जो स्पीक ओनली में तमिल जानते हैं, रीड एंड स्पीक में मलयालम जानते हैं, और रीड राइट एंड स्पीक में एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ मलयालम यहाँ लिखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ यही लिख देते हैं तो ये एक्चुअली एक्स्ट्रा में लिखा गया है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये रीड राइट एंड स्पीक, तो ये मलयालम, ये हिंदी और ये इंग्लिश। आपने यदि किसी का एग्जाम, जैसे ये तमिल देखो स्पीक ओनली है तो ये कोई एग्जाम नहीं है, तो जो जी आप कोई लैंग्वेज जानते हो, कुछ ऐसे पर्सन है फॉर एग्जाम्पल राहुल सांकृत्यायन मकर शास्त्री जिनको कहते हैं, कुछ 36 लैंग्वेज जानते थे, तो 36 लैंग्वेज को कोई जरूरी नहीं है सबका एग्जाम दे, या हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव 17-18 लैंग्वेज जानते थे, तो उसे ही हो सकता है आप में से कोई 10 लैंग्वेज जान रहे हो। अब जैसे ये देखो टोटल 5 लैंग्वेज जान रहे हैं, तो कुछ लैंग्वेज है सिर्फ रीड जानते हैं, तो ठीक है इन्होंने रीड को नहीं लिखा, स्पीक ओनली तो तमिल। अब मलयालम में तो एक ही जगह लिखना चाहिए था, ठीक है ना, तो ऐसा ये नहीं है मिस्टेक, लेकिन ये फॉर्मेट में ध्यान रखो। अब ये 17 में देखो, जो गिव पार्टिकुलर ऑफ प्राइज मेडल स्कॉलरशिप, मिला है कोई तो लिखो, नहीं मिला है तो नहीं लिखो, कोई जरूरी नहीं है। टीम गेम्स और स्पोर्ट्स, कोई ना कोई टीम में तो आप पार्टिसिपेट किए हुए, इसमें कुछ ना कुछ लिख दो, कबड्डी, गिल्ली डंडा और क्रिकेट, जो भी आपको समझ में आता है कुछ ना कुछ। फिर पोजीशंस, यदि क्लास में कभी मॉनिटर रहे हो, रिप्रेजेंटेटिव रहे हो, किसी कमेटी का हेड रहे हो, कुछ और चीजों में रहे हो उसमें लिखो, नहीं कुछ भी एकदम नहीं है तो छोड़ दो, लेकिन इसको तो लिखो। अब इसमें से कुछ कैंडिडेट का ये क्वेश्चन था कि इतने हम लिखे, तो ट्राई करो मिनिमम 2 लिखो, मैक्सिमम 4 लिखो, 4 से ज्यादा मत लिखो। अब एकदम आप इतने, क्योंकि क्या होता है ना कि आप कम लिखो जस्टिफाई बेटर कर पाओ तो वो ज्यादा अच्छा है, तो ये आपका हो गया। फिर आपने इस एग्जाम में अपियर हुए हो तो अब ऑब्वियसली आप इंक्लूडिंग दिस अटेम्प्ट यानी कि 23 कर दो इस में, ये चूंकि 22 वाले कैंडिडेट का हमने लिया, तो इसमें जितने बार इंक्लूडिंग 23 अपियर हुए हो, मान के चलो 23 फर्स्ट टाइम है तो ये 1 लिखोगे, 23 में थर्ड टाइम है तो 3 लिखोगे, तो जिस जिस ईयर में है तो वो लिखोगे। Have you been ever selected to a service or post on the basis of CAPF? No लिखोगे, क्योंकि जब yes लिखोगे तो आपको फिर आप फर्दर कंसिडर नहीं किए जाओगे। जैसे कुछ कैंडिडेट हैं 22 में सेलेक्ट हो गए, 23 में भी रिटेन क्वालिफाई हुए हैं, तो उनका नहीं होगा। अब ये जो आप आईडी प्रूफ जो भी दे रहे हो, इन्होंने जैसे वोटर आईडी दिया है तो वोटर आईडी, अब लिस्ट ऑफ स्कैंड कॉपी अपलोडेड तो ये सर्टिफिकेट ऑफ एज, ये सबके लिए है, ठीक है। सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम टू बिलोंग टू, ये आपका ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो ये वाला किया। सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल, तो ये दोनों तो सबके लिए है, ये और ये सबके लिए है। फिर एंड अंडरटेकिंग ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट सीकिंग रिलैक्सेशन ऑफ ओबीसी, तो ये ओबीसी वाले में जो आप कैंडिडेट से उसका मैं फॉर्मेट दिखाता हूँ, ठीक है, तो उसमें से आप ये करोगे। नेक्स्ट, अब ये जो ओबीसी अनेक्स्चर है तो ये ओबीसी वाले कैंडिडेट को स्पेशल आपको भरना है, ठीक है। तो ओबीसी में मान के चलो, तो नेम ऑफ कैंडिडेट, तो ये आपका रोल नंबर, आपका नेम ऑफ फादर, डेट ऑफ बर्थ ऑफ योर फादर, वेदर योर फादर इज हैविंग परमानेंट
अकाउंट नंबर, पी एन, पैन नंबर, यस पैन नंबर, ये सेम मदर का, प्रोफेशन ऑफ फादर, सर्विस में है तो यस, सर्विस जो भी स्पेसिफाई करो, और फुल नेम, एड्रेस ऑफ कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन जहां वर्क करते हैं, और पोस्ट पर जिसमें अपॉइंट हुए हैं, तो जो भी आपका वो डिटेल लिखोगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 में है कि इफ पोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट क्लासिफाइड एज ग्रुप ए बी सी, वेदर द पोस्ट टू विच द फादर वाज अपॉइंटेड टू डायरेक्ट, ये तो जो भी आपका है, जैसे कोई ये क्लासिफिकेशन नहीं है तो ये इसमें छोड़ दो मान के चलो। अब ये इसमें कंप्लीट इंप्लॉयमेंट डिटेल ऑफ ऑल द पोस्ट हेल्ड बाई फादर फ्रॉम फर्स्ट इंप्लॉयमेंट टिल प्रेजेंट, तो इसमें से मान के चलो कुछ पर्सन है कि एक बार जॉब लिए, कहीं दूसरा जगह जॉब लिए, तीसरी जगह, तो जो डिटेल है, तो नेम ऑफ पोस्ट, तो जो पोस्ट पे है, पे स्केल, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ये जिस समय ज्वाइन किए थे उसमें, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट जो भी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और एग्जामिनेशन एटसेट्रा जो भी, इफ योर फादर हैज रिटायर्ड तो नो मानिए, वेदर द फादर हैज और बीन एम्प्लॉयमेंट इन एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो नो, इफ फादर इज डेड, डेट ऑफ डिमाइज नो, तो इसमें नोट एप्लीकेबल है आपका तो कुछ नहीं लिखना। इफ फादर सफर्स फ्रॉम परमानेंट इनकैपेसिटेशन नो, तो इफ फादर सफर्स फ्रॉम परमानेंट इन बाइल इन सर्विस डेट नो, तो ये वेदर फादर ऑफ द कैंडिडेट होल्ड्स और हैज इवर हेल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, मान के चलो कि कोई भी किसी के फादर गवर्नर रह चुके हों, कुछ और सपोज करो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पोस्ट का मेंशन है, सपोज करो एमएलए रह चुके हों, एमपी रह चुके हों, या और जिला परिषद में रह चुके हों, मतलब कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो जो नहीं है तो नहीं। इफ योर फादर इज और वॉज इन रैंक ऑफ कर्नल और अबव इन द आर्मी, यदि है तो यस, नहीं है तो नहीं। फिर इसी संबंध में मदर के संबंध में जो डिटेल आपने यहाँ लिखा है वो, अब चूंकि हाउस वाइफ है तो ये एप्लीकेबल नहीं है वो सब, ठीक है, तो इसमें से चूंकि हाउस वाइफ है तो नोट एप्लीकेबल इसमें से, और इसमें से जो फादर वाले में आपने ये लिखा जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल और सारी चीजें, तो नो इसमें से, सारे नो में आपने किया। फिर आपका है इफ मदर वॉज इन रैंक ऑफ कर्नल नो, तो यही ये सारी चीजें। फिर आपका है वेदर द पेरेंट्स ऑफ द कैंडिडेट ओन एग्रीकल्चरल लैंड, तो यस है तो यस लिखोगे और नो है तो नो लिखोगे। इफ यस देन ये कितना है आपका इरिगेटेड मदर के नाम से, फादर के नाम से, ये सारी चीजें जो है वो आपका इरिगेटेड आप लिखोगे, अन इरिगेटेड और ये सारी चीजों को वो लिखना है। नेक्स्ट आपका है एनुअल इनकम, तो देखो यदि एनुअल इनकम लास्ट 3 ईयर्स का ये आपका होता है, तो लास्ट 3 ईयर्स में अब इसमें से मान के चलो देखो इसमें ये कर लोगे तो ये यहाँ 2021 हो जाएगा, 2021-22 और यहाँ 2022-23, तो जो आपका है वहां लिखोगे। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, तो ये एग्रीकल्चर, इनके पास एग्रीकल्चर लैंड चूंकि नहीं लिखा है तो जो है, अब जैसे जिनके आईटीआर फाइल करते हैं तो यस लिखोगे, जिनके नहीं करते हैं तो नहीं आप लिखोगे। अब यदि फाइल करते हैं तो आपके पास यदि अवेलेबल है तो अब यस लिखोगे, नहीं अवेलेबल है तो नो लिखोगे, ठीक है। अब तो ये मदर के केस में सेम है। नेक्स्ट डिटेल ऑफ वेल्थ हेल्ड बाय पेरेंट्स, तो पेरेंट्स के पास कोई भी वेल्थ है, वेल्थ में क्या होगा, आइदर कोई भी, जैसे इनके पास लैंड नहीं है एग्रीकल्चर का लेकिन हाउस है तो हाउस के बारे में इन्होंने लिखा, कुछ और आपके पास है तो वो चीज को लिखोगे। वेदर द वेल्थ इज हेल्ड अबव इन एग्जेम्पशन लिमिट टू प्रिस्क्राइब इन वेल्थ टैक्स एक्ट, यदि आपका एग्जेम्पशन लिमिट में कह रहा कि अबव है तो यस लिखोगे, नहीं है तो नहीं, आपके पास कोई सपोर्ट है तो नो। अब ये अंडरटेकिंग आपका ये लेना पड़ता है कि मैं पिता जो भी फादर का नेम है ये सारे आप ये डिक्लेरेशन करोगे, और आप ये इसमें आपका सिग्नेचर होता है, कैंडिडेट का रोल नंबर है, नेम है, रोल नंबर है, ठीक है, तो ये है। फिर आपका डिक्लेरेशन टू बी साइंड बाय द कैंडिडेट, एक्चुअली क्या है ना कि ये माना जाता है, देखो यहाँ आपने साइन कर दिया है, ठीक है ना, तो यहाँ आपने साइन का अपलोड किया है तो यहाँ ये माना जाता है कि ये ऑटोमेटिकली आपने साइन कर दिया है, एक डिक्लेरेशन टू बी साइन बाय द कैंडिडेट, तो ये जो 1 से 20 तक पॉइंट्स जो आपने है वो फिल किया है तो ये माना जाता है कि आपने साइन किया हुआ है, ठीक है। फिर जैसे देखो ये आपका लिस्ट जो ये, अब जो भी आप अपलोड करोगे तो इसमें से 1 MB से लेस का होना चाहिए, ठीक है, अप टू 1 MB, यानी कि जो फाइल आप ये करोगे उसमें से, तो पहले लिस्ट ऑफ इनक्लोजर्स, तो मान के चलो कि इसमें ओबीसी में है तो सपोज स्कैंड कॉपी ऑफ मेट्रिकुलेशन, ये तो सबको करना है, फिर स्कैंड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट शोन इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी ग्रेजुएशन, ये दोनों तो सबको करना है, फिर स्कैंड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम टू बिलोंगिंग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स ओबीसी, तो ये ओबीसी में है तो आप ये वाला आप ये करोगे।
फिर स्कैंड कॉपी ऑफ एन अंडरटेकिंग ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट सीकिंग रिलैक्सेशन एज ओबीसी कैंडिडेट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम ऑफ नोट बिलोंगिंग टू ये नॉन क्रीमी लेयर। तो यो एक आपका जो अंडरटेकिंग है वो आप करोगे। यहाँ स्कैंड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम ऑफ एज कंसेशन। अब ये देखो एज कंसेशन में कोई सपोज करो कि इसमें से जनरली ओबीसी वाला आप सर्टिफिकेट ये करते हो और ओबीसी में आपको, तो ये ऑटोमेटिकली कंसीडर हो जाता है, ठीक है, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। तो मान के चलो अब ये देखो जो आपका तीसरा है और एक तरह से चौथा है, तो इसमें से दोनों में आपका जो एक ये अंडरटेकिंग आप करोगे तो उसका मैं ये दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। फिर तो ये वाला कंसेशन मान के चलो दूसरे आधार पे कोई है, सपोज करो कि गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयमेंट में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उसका ये करोगे, या फिर एक सर्विस मैन है तो उसका करोगे। स्कैंड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम एचओडी कॉपी ऑफ डिस्चार्ज, तो एक सर्विस मैन वाले हो तो ये आपके लिए मान के चलो अप्लीकेबल नहीं है। फिर आपका ये है सेवन नंबर में, स्कैंड कॉपी ऑफ एन अंडरटेकिंग ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट्स इफ ऑलरेडी इन गवर्नमेंट जॉब, यदि आप हो तो नहीं, और यदि नहीं हो तो नहीं। अब ये अभी यहाँ आप ये करोगे स्कैंड कॉपी, और जब एग्जाम जब इंटरव्यू होगा तो उसमें ले जाओगे। कॉपी ऑफ सिलेक्टेड फोटो आईडी प्रूफ, जो आपने आईडी प्रूफ दिया, यदि आपका एनसीसी बी और सी है तो उसमें, और एनी अदर सर्टिफिकेट आपके पास कुछ है तो उसको यहाँ आप सेव करोगे, तो 1 MB से कम का होना चाहिए। अब ये देखो इसमें जो ये डिक्लेरेशन है, तो डिक्लेरेशन जो आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट, तो जो आप ओबीसी डाल रहे हो उसके अलावे जो ये सर्टिफिकेट आपको देना होता है जो आपका अंडरटेकिंग, ठीक है, डिक्लेरेशन ये है ना, ये आपका है कि स्कैंड कॉपी ऑफ अंडरटेकिंग ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट, ठीक है। तो ई आपका जो इसको ये करना है, ठीक है ना, सेंड करना है कि हमारा ये है। तो ये आपकी यूपीएससी वेबसाइट में जो फॉर्म्स एंड डाउनलोड वाला में है उस सेक्शन में आपका मिल जाएगा कि हाँ हम ये ओबीसी में है। तो ये ओबीसी से रिलेटेड चीजें हैं जो रिलेटेड। उसके बाद यदि कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट होता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, पर्सनल लेवल पे कुछ और डाउट्स हैं तो वो मैसेज कर देना। अदरवाइज आई होप कि कुछ चीजें हैं उसमें से मैंने क्लियर कर दिया, जहां आपको दिक्कत होता है तो वहां आप उसको स्क्रीन को पॉज करो और उसको देखो, और कुछ क्वेश्चंस क्यूरी हो तो मैसेज करना, मैं उसको पर्सनल लेवल पे आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू।